Chicken Super Express. Delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 811-44-82312. Visa Names Neat Coaching Civil Lines Ajmer presents कौन बनेगा मेयर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं MTV India. मैं आपका दोस्त सुशील पाल. आज हम आए हैं वार्ड नंबर 17 में. यहाँ के पार्षद हैं कांग्रेस से सुनील के. पांच बार से लगातार इनका एक तरीके से इनके वार्ड में कब्जा है. इनको कोई हरा नहीं पाया अभी तक. और इस बार फिर कौन बनेगा मेयर शो में हम जाएंगे इनके वार्ड में, जानने की कोशिश करेंगे कि 4.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने कौन कौन से काम कराए हैं, कितनी लागत यहाँ पर वार्ड के अंदर इन्होंने खर्च कर दी है. इस वक्त सुनील केन हमारे साथ कौन बनेगा मेयर शो के ई रिक्शे के ऊपर सवार है और इनके साथ इनके वार्ड में जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे कि आखिरकार इन्होंने 4.5 साल के कार्यकाल में क्या काम करा दिया है. 4.5 साल पहले कौन कौन से वादे कर वोट मांगे थे और उन वादों के ऊपर कितना खरा उतर पाए. इनके वार्ड के अंदर जो वार्डवासी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि 4.5 साल का ये जो कार्यकाल इनका रहा कैसा रहा. तो सबसे पहले सुनील केन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कौन बनेगा मेयर शो में. आपका भी स्वागत है सर. तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 17 में कौन कौन सा इलाका है जो आपके वार्ड के अंदर आ रहा है. जी मेरा जो वार्ड है ये गौशाला से स्टार्ट है. गौशाला, पाणगंज, जटिया कॉलोनी, गुजर बस्ती, जनता कॉलोनी, माल्टा ठेका, शिव कॉलोनी, फरीदाबाद, पृथ्वीराज नगर और कुछ एरिया हरिजन बस्ती का है. तो ये वार्ड नंबर 17 में आपका कितने सालों से कब्जा है, एक छत्र राज आपका हो रखा है. राज नहीं, मैं सेवा कर रहा हूँ और सेवा के नाते मुझे पब्लिक जिता रही है. चार बार मैं रहा, एक बार मेरी पत्नी पार्षद रही. मेरी पत्नी जीती वो वार्ड नंबर रामगंज वाले एरिया से जीती थी. मैं चार बार यहाँ से जीता. 95 से लेकर 2010 तक मैं तीन बार जो निर्दलीय जीता रेगुलर. पब्लिक का बहुत ही मुझ पर आशीर्वाद है. पब्लिक चाहती है मैं पब्लिक से मिलकर के उनके सुख दुख में उनकी जो मूलभूत समस्या उनको हल करता हूँ. तो 1995 से लगातार आपका कब्जा है. निर्दलीय रहे, निर्दलीय क्यों रहे उस दौर के अंदर? क्या पार्टी से टिकट मांगा था या नहीं? मैं उस समय एमए कर रहा था जीसीए से, वरुण कॉलेज. मैंने बीएड कर लिया था, एमए बीएड करके फिर मैंने लॉ में एडमिशन लिया था. फिर चुनाव की प्रक्रिया चली तो कुछ दोस्तों ने कहा यार आप भी खड़े हो जाओ तो अच्छा है. मैं वार्ड में आया, लोगों से मिला तो उन्होंने कहा खड़े हो जाओ, यहाँ तो ऐसा आज तक कोई ऐसा पार्षद आया नहीं जो युवा हो और आप कितने काम करने वाला. यानी कि आप पढ़ते पढ़ते राजनीति में आ गए. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये राजनीति में आने की कोई कहानी अगर दिलचस्प हो तो वो भी एक बार बता दीजिए, क्योंकि आप शायद इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनका पाँच बार से एक तरीके से पार्षद का के उसमें कब्जा है, आप काबिज हैं उसके ऊपर. नहीं, ऐसा हुआ कि वो मैं पहले जब पार्षद नहीं था तो मैंने एक मीटिंग कराई थी एमएलए साहब की, झामरानी साहब से एमएलए थे, तो उनसे मैंने आग्रह किया कि साहब हमारे यहाँ पानी की समस्या बहुत है तो आप पाइपलाइन डलवा दो. तो उन्होंने कहा यार तू पहले मीटिंग करा मेरी यहाँ. तो मैंने उनकी मीटिंग कराई तो वो देखकर गदगद हो गए, इतनी भीड़ लगा करके मैंने इकट्ठा की. तो उन्होंने एक महीने के अंदर वो पाइपलाइन डलवा दी, उससे क्या जनता खुश हुई और कुछ छोटी मोटी समस्या को भी मैंने हल करा दी. मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम एमडी मोबाइल, स्टेशन रोड, अजमेर. कॉन्टैक्ट 811-44-82312. Chicken Super Express. Delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. यही कारण रहा, फिर पब्लिक ने मुझे साथ दिया और मैं जीत गया. बस एक बैठक और राजनीति में आपका कदम रखना हो गया. अच्छा एक चीज़ और कहते हैं कि आपको सारे पार्षद जो हैं एक काकू और आपको दोनों को लीडर के तौर पर देखते हैं और सदन में हमने देखा कि आप दोनों शुरुआती वाली जो रो होती है वहाँ पर बैठकर पूरी तैयारी करते हैं कैसे सदन में मामला उठाया जाए. लेकिन इस मर्तबा कांग्रेस उस मोड में क्यों नहीं दिखाई दी कि भाजपा के बोर्ड को घेर पाए? क्या भाजपा के बोर्ड ने सारे काम शहर में अच्छे किए? काम तो अच्छे तो किए, लेकिन देखिए जो धर्मेंद्र गहलोत जी हैं मेयर साहब, इन्होंने कभी भी पार्टीवाद नहीं किया.
जब भी इनको हमने कहा काम के लिए तो उन्होंने समान रूप से काम बांटा। और दूसरा क्या है, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के आला कमान है उन्होंने आज तक भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, उसका ही फर्क पड़ता है। अच्छा, तो नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा तो आप कैसे आवाज़ उठाएंगे। दूसरा, कांग्रेसी पार्षदों में भी एकता बिल्कुल है नहीं, इसमें क्या है विभाजन है आपस में, कोई दूसरी गैंग का कोई उस गैंग का है तो आपस मिल के चलते नहीं, गुटबाजी ज़्यादा है कांग्रेस में। तो इस गुटबाजी का फायदा आपके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को लगातार हो रहा है, क्योंकि सिर्फ कमल बाकुलिया आपका मेयर पहले रहे और इस मरतबा हो सकता है फिर इस गुटबाजी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को। मैं बता रहा था आपको, ये शमशान 80 लाख का काम कराया अभी सर, ये शमशान का काम है जो यहाँ के पार्षद सुनील किन के माध्यम से ही करवाया गया है। अच्छा चलिए, आप विकास के काम पर ही हम आ जाते हैं, ये बताइए 4.5 साल के कार्यकाल में कौन कौन सी मद से और कौन कौन से काम आपने अपने वार्ड में कराए। देखिए, हमें जो काम मिलता है 1 साल में 20 लाख रुपए मिलता है, इधर लेना, ऊपर ले लीजिए भैया, एक साल में 20 लाख रुपए मिलता है। उसके अलावा जो जनरल वर्क है वो मिलते हैं, एडी से कोई काम होता नहीं, एमएलए ने कोई काम कराया नहीं आज तक। आप पूरी बस्ती में किसी से पूछ लो कि एमएलए अनिता बदल 3 बार से एमएलए रह चुकी है, लेकिन कोई 1 पैसे काम कहीं भी कराया हो तो आप देख लो कि यहाँ भी 1 पैसे का एक जो छोटी सी भी नाली बनाई हो उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो जो भी काम कराया हमने अपने फंड से कराया। आप कह रहे हैं मतलब विधायक का कोष से कोई पैसा आपके वार्ड में खर्च नहीं हुआ? नहीं हुआ, सिर्फ एक स्कूल बनाई है मैडम ने, कन्या पाठशाला हर सेकेंडरी स्कूल बनाई है, उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा, मेन रोड बनाया उसके अलावा कोई काम नहीं। वोट तो मिलते होंगे भारतीय जनता पार्टी को? वोट तो मिलते हैं, एक्चुअली क्या है पब्लिक जो है ना पार्षद को चुन कर के वो यही सोचती है कि पार्षद ही सब कुछ है, उसके बाद वो MLA MP मेयर सबको भूल जाती है। आप जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राण तक लाइट बिजली पानी नाली सड़क गंदगी मरे जानवर जो भी काम है सिर्फ पार्षद को जानती है, उसके अलावा और किसी को नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं जानती है। और बहुत गंभीर आरोप है, वार्ड नंबर जब हम 16 में थे उनका भी यही कहना था कि अजमेर दक्षिण की जो विधायिका हैं अनिता बदेल उन्होंने उनके वार्ड में कोई काम नहीं किया। और सुनील कैन इस वक्त हमारे साथ हैं, वार्ड नंबर 17 के वार्ड पार्षद हैं, ये भी यही गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि विधायिका ने इनके वार्ड में भी कोई विकास का काम नहीं किया। तो ये जितनी भी सड़क है नाली है बिजली है पानी के जितने भी विकास के काम यहाँ पर हो रहे हैं ये सारे पार्षद फंड से हो रहे हैं, निगम करा रही है इन कामों? बिल्कुल, सभी पार्षद फंड के हैं, निगम के द्वारा ही कराए गए। सफाई कर्मचारी कितने काम कर रहे हैं आपके इलाके? मेरा सफाई कर्मचारी 25 है, अंदर है ना, अंदर ले लीजिए भैया, 25 सफाई कर्मचारी हैं और शमशान में 2 अलग एक्स्ट्रा दे रखे हैं तो 27 टोटल सफाई कर्मचारी आपके यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आप बातचीत को जारी रखते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114-82312। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन Zomato एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स वैशाली नगर अजमेर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मेयर शो में। आज हम ये जानना चाहेंगे कि 4.5 साल पहले आपके वार्ड में कौन कौन से मुद्दे थे जिनको ध्यान में रखते हुए आपने जनता से वोट मांगे थे। 4.5 साल पहले जब मैं यहाँ से खड़ा हुआ था तो यहाँ की बहुत समस्या थी, नाले करीब नाले सारे कच्चे हैं यहाँ के, तो नाले मैंने पक्के कराए और पानी की पाइपलाइन डलवाई थी, हर एक पोल पे लाइट लगवा दी है और जहाँ गली के अंदर पोल नहीं है वहाँ दीवारों पे मैंने लाइट लगवाई है। तो लाइट के मामले में तो पूरा वार्ड मैंने चमन कर रखा है। पानी की समस्या ये है कि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और कुछ एरिया में पानी का भी प्रेशर कम आ रहा है, तो उसको भी मैंने बात करी मैडम JN ने और AN साहब ने उसका एस्टिमेट बना दिया है, करीब 22 लाख का एस्टिमेट बना है वो, और वो आने वाले समय में डल जाएंगे।
अच्छा, ये आपका जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा, 1 साल आपकी सरकार को हो गया, गहलोत सरकार 1 साल हो गया बने हुए, इससे पहले जो कार्यकाल रहा बीजेपी का बोर्ड है, बीजेपी की सरकार रही, इस दौरान पैसे मिलने में, सीधे ले लीजिए भैया, पैसे मिलने में, फंड मिलने में कोई दिक्कत का सामना आपको करना पड़ा था या नहीं करना पड़ा? देखो, पिछले कार्यकाल में क्या हुआ कि हमारा जो 20-20 लाख के काम थे ना, वो राज्य सरकार के ऑर्डर से MLA ने ले लिए। तो जो हमारे जो काम हमें कराने चाहिए थे वो MLA ने कराए। अब MLA ने ऐसे काम कराए जो मतलब ही नहीं, जो बनी हुई सड़क थी लामर की उसी ऊपर कारपेट करा दिए। हमें अगर मिलते 20 लाख तो हम गली गली, छोटी मोटी गली, मतलब 15-20 जगह हम उसको काम करा सकते थे, तो वो हम नहीं करा पाए। अच्छा, आपके इलाके में कुछ इलाका है जिस इलाके से हम निकल रहे हैं, यहाँ खुले में गाय भी बहुत हैं, वार्डवासी, ये गुजर बस्ती है, हाँ। तो यहाँ सबके पास जानवर है। अच्छा, वार्डवासियों को दिक्कत नहीं? नहीं, ये तो यहाँ मतलब जन्म से ही है सारा, तो उनको आदत सी पड़ गई है, जानवर को दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस मरतबा जब हम कौन बनेगा मेयर पे हैं और राजनीति की बात अब कर लेते हैं थोड़ी सी, तो मुझे ये बताइए कि कौन बनेगा मेयर शोक में, आप ये बताइए कि इस मरतबा आपके पार्षदों के ग्रुपों में मेयर बनाने को लेकर चर्चा किसके नाम की हो रही है? अभी तो ऐसा है कि जो भी ऐसी कैंडिडेट हैं वो सब अपनी पत्नी को लड़ाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो सभी तैयार बैठे हुए हैं कि मैं अपनी पत्नी को मेयर बनाएंगे। अच्छा, आपने अपने पत्नी के नाम पे कंफर्मेशन और जो चर्चा चल रही है उसको आप कह रहे हैं कैमरे पर आज? हाँ, ये तो है ही, लेकिन अभी तो क्या, देखो सर, अभी लॉटरी निकलेगी पहले, तो सबसे पहले कि आपके दक्षिण के ही क्षेत्र के 57 नेता भी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। जी, अभी देखो। हाँ सर, अभी क्या सर, ये जो लॉटरी निकलेगी ना, हाँ। उसके बाद ही मारामारी ज़्यादा चालू हो जाएगी। हाँ। अभी ऐसे कई नाम है जो अभी सामने नहीं, वो एकदम ही अचानक ही आएंगे। तो अभी समय का इंतजार। नीचे ले लीजिए भैया। अच्छा, ऊपर ले लीजिए। चलिए, ये तस्वीर, ये देखो सर, आज क्या है, आज वो दरगाह का वो जो है चल रहा है ना उर्स, तो हमारे कर्मचारी की ड्यूटी वहाँ लगा दी। हाँ। तो आज गाड़ी भी नहीं आई, वैसे ये गुजर बस्ती है। हाँ। यहाँ पर कोई समय नहीं निश्चित। हाँ। कचरा डालने का। हाँ। ये जब इनकी इच्छा होती है ये कचरा डाल देते हैं। हाँ। जबकि मैं डोर टू डोर गाड़ी आती है। हाँ। तो उनको मैंने ये भी कह दिया, भाई आप एक समय मेरे को बता दो तो मैं 1 घंटे गाड़ी यहाँ खड़ी कर दूँ। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114-82312। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन Zomato एंड Swiggy एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स, वैशाली नगर, अजमेर। तो बोले साहब, हमारे तो कोई समय है नहीं, जब भी गोबर करती है हम ला करके यहां डाल देते हैं। ये ऊपर जिस इलाके में हम जा रहे हैं, कच्ची बस्ती है, ये गुजर बस्ती पहाड़ गली, ये गुजर बस्ती। आपके इलाके में पट्टू को लेकर भी बहुत समस्या है क्या? पिछले मैंने जब 97 में पट्टे दिलाए थे यहाँ, और उसके बाद 2002 में पट्टे दिलाए थे, लेकिन अभी जो पिछले बीजेपी कार्यकाल में जो पट्टों का कैंप लगे थे, इसमें गुलाब कोठारी कोई नियम ऐसे आ गए जिसमें सड़कें छोटी और आबादी वाली भूमि जो थी, मतलब 15 फीट उन्होंने मान करके, जो इतने फुट तो हमारी सड़क है नहीं, पट्टे दे नहीं पाए, इसलिए पट्टे उनको मिल नहीं पाए। इसमें राजनीतिकरण हुआ? राजनीतिकरण तो हुआ ही। या गुलाब कोठारी की मान लो उनकी क्या है रिपोर्ट, ये बता नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, राजनीतिकरण पैदल चले? हाँ चलिए, आइए पैदल चलते हैं, गाड़ी को यहीं रोकिए भैया, पैदल देख लेते हैं। ये गुजर मोहल्ला है, देखिए मैं आपको पीछे के तस्वीर में सहयोगी कहूँगा, राज भी दिखाए, ये गुजर मोहल्ला पूरा है। यहाँ पर जो अधिकांश वार्डवासी रहते हैं वो गाय का पालन पोषण करते हैं और यही इनकी रोजी रोटी भी होती है। ये सामने हमको पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये जो इलाका है पहाड़ी इलाका है, सारा पहाड़ी है, सारी पहाड़ी। पानी की जो समस्या है वो यही है? हाँ, यही पर। सबसे ज़्यादा जो समस्या है अजमेर के अंदर, और जैसा ये बता रहे हैं कि जो विधायिका कोष का जो फंड पैसा जो लगना चाहिए था वो इस इलाके में नहीं लगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊंचा और निचला जो इलाका है किस तरीके का नज़र आता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हम खड़े हैं और ढलान आप देखिए
पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर लोगों को होती है। ये तस्वीर आपके सामने हम दिखाते हैं, देखिए किस तरीके से लोगों को यहाँ पर अपने घर से निकलकर पानी भरने के लिए एक कॉर्नर पर आना पड़ता है और यहाँ से पानी भरकर अपने घरों तक महिलाओं को ले जाना पड़ता है। राजनीति की हमारी बात चल रही थी, आपने कहा कि आपकी जो पत्नी है वो मेयर की एक मजबूत दावेदार इस वक्त हो सकती है। कमल बाकुलिया और राजकुमार जयपाल दोनों भी अपने अपने परिवार से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब हमारी कुछ पार्षदों से बात हुई कौन बनेगा मेयर शो में, उनका कहना है कि जो पार्षद लंबे समय तक रहा वो यहाँ पर आना चाहिए। देखिए नियम तो यही कहता है कि आप पाँच बार जीत रहे हो तो मौका आपको मिलना चाहिए। अब यहाँ अगर पैसे वाले या कोई ऊंची पहुंच वाले आ जाते हैं तो वो आला कमानी देखे उसको, तो किस तरह से, अगर पिछली बार भी जैसे कमल बाकुलिया जी थे तो उनको स्काई लैब से उतार के उनको बैठा दिया था। तो जो मेहनत करते हैं, जो दरी पट्टी बिछाते हैं, जो गली गली घर हर घर से जुड़े हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उनको अगर मौका नहीं मिलेगा और जो ऊपर से आ जाएगा और वो बन जाएगा तो फिर वो कैसे विकास कर पाएगा। पैराशूट उम्मीदवार नहीं आना नहीं आना चाहिए पैराशूट, और अगर आ गया तो फिर किस्मत है उनकी, किस्मत है या आपकी बदकिस्मती? बदकिस्मती तो हमारी रहेगी, फिर अगर वो ऊपर से कोई आया तो हमारी बदकिस्मती है तो। लेकिन नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये आपका कहना है? ये तो आला कमान को सोचना चाहिए, जो शुरू से मेहनत कर रहे हैं, पब्लिक से जुड़े हुए हैं, उनको पता है। अब जैसे 25 साल मुझे हो गई, अब मुझे ABCD सब पता है कि काम कैसे होते हैं, पब्लिक के काम कैसे निकाले जाते हैं। पब्लिक जब अपने को वोट देती है तो उनके जो आते हैं उनका आदर सम्मान करना, उनको उनके काम निकालना, उनके दुख दर्द को दूर करना, उनकी समस्याओं को पहचानना, ये तो ये अपन ही कर सकते हैं। उसके अलावा से जो आएगा पैसे के दम पर आएगा तो वो तो फिर अच्छा, मुझे अभी कहा बताइए क्या आपके वार्ड में कोई गार्डन है? नहीं, मेरे वार्ड में जगह नहीं गार्डन की। तो क्या ज़रूरत लगती है आपको? ADA वाले दो गार्डन हैं तो मैंने उनके लिए बोला हुआ है, लेकिन वही बात है कि स्मार्ट सिटी के तहत आप उसको विकसित करेंगे। स्मार्ट सिटी हमारा ABD के अंदर नहीं आता है, जो 13 वार्ड है उनके अंदर नहीं आता है, तो हमारे यहाँ कुछ भी काम नहीं होगा उसका। चिकन सुपर एक्सप्रेस, डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन Zomato एंड Swiggy एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स, वैशाली नगर, अजमेर। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड, अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114482312। और ये मैंने मेयर साहब को भी कहा कई बार, तो उन्होंने कहा यार कोई भी फंड आएगा तो उसमें आपके पार्क डेवलप कर देंगे। तो मैंने उसमें पिछले जब 95 में जीत करके आया था, वीर कुमार जी से बोल करके मैंने उसमें पार्क में झूले लगवाए थे। अब उसको 25 साल हो गए, सारे झूले टूट टाट के सब खत्म हो गए। अब ये कह रहे थे अभी स्मार्ट सिटी के तहत हम आपके इसमें झूले और सब लगवा देंगे, लेकिन वो बात वही आई कि आपके 13 वार्ड के अंदर आपका वार्ड नहीं है स्मार्ट सिटी में। ADA का जिक्र आया तो ADA के बात पे ही मैं आ जाता हूँ कि ADA के अंदर पार्षदों की भागीदारी नहीं होती है। आपको लगता है कि ADA के अंदर एक समिति ऐसी बननी चाहिए हर एरिया वाइज, क्योंकि निगम के बहुत सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर ADA का क्षेत्र आता है, तो पार्षदों की भागीदारी उसमें होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ADA भी जनता से जुड़ी संस्था है और नगर निगम भी है। ADA जो भी विकास, जो भी साइट प्लान करती है, अभी पट्टे काटती है, जो भी मकान देती है उसका 20% नगर निगम को देती है, तब नगर निगम उससे विकास करता है। लेकिन अभी जो हालत ये है कि ADA के पास पैसा नहीं है, वो नगर निगम को पैसा नहीं दे रही है, नगर निगम काम नहीं हो पा रहे हैं। तो जो भी ADA अध्यक्ष बनता है तो 2 प्रतिनिधि यहाँ से चुनकर जाते हैं, लेकिन वो ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन इस मरतबा आपकी सरकार है, मुझे लगता है कि कोशिश करनी चाहिए, और अगर कांग्रेस का वोट बनता है तो ADA के अंदर कहीं ना कहीं अजमेर नगर निगम के पार्षदों की भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। सरकार को ये भी देखना चाहिए कि अब जैसे जिला परिषद है, जिला परिषद में भी मेंबर जाते हैं चुनकर के बाहर के, उसी टाइप नगर निगम के भी 2 प्रतिनिधि वहाँ जाने चाहिए ADA के अंदर, तो विकास की बात करें वहाँ जा करके। कलेक्टर साहब उसके अध्यक्ष अभी फिलहाल हैं, अभी हम मिलकर भी आए थे कलेक्टर साहब से, तो उन्होंने कोई बोला कि भाई आपके जितने भी विकास के हैं आप लिख करके दे दीजिए। हमने लिखे कर महीना भर तो हो गया। गोयल साहब ने कहा कि अब यार पैसे नहीं है हमारे पास, तो कहाँ से काम कराएं, तो ये हमारे साथ दिक्कत आ रही है। ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे पार्षदों की समस्या है। उनका कहना है कि ADA के बहुत सारे
इलाका है जो निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है और वहाँ से कई काम एडीए कराता है, लेकिन फंड की कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है अजमेर नगर निगम के क्षेत्र के अंदर विकास के काम कराने में। आपके वार्ड के अंदर सीसीटीवी कैमरास हैं? नहीं, एक्चुअल क्या हुआ, अजमेर के सिर्फ दो ही वार्ड लिए उन्होंने, एक तो हाथीवाड़ा वाला जो अनीश मोयल का वार्ड है और एक चंद्रशेखर काकू का, उसके अलावा फिर वो चिन्मय गोपाल जो सीओ हमारी उन्होंने आते उसको बंद कर दिया कि फिजूल खर्ची है और इसमें ये जो पुलिस महकमा वही लगा रही, तो आप क्यों लगा रहे इसको, इसका मेंटेनेंस कौन करेगा, देख रेख कौन करेगा, इसलिए उन्होंने इसको भी रोक लगा रखी है। ज़रूरत महसूस होती? ज़रूरत तो जब सेंसिटिव एरिया हमारा है, अभी तक वहाँ कैमरे लग जाने चाहिए थे लेकिन अभी तक लगे नहीं है। आपके वार्ड में कोई छोटी डिस्पेंसरी है? है, छोटी नहीं बड़ी डिस्पेंसरी है। हाँ है, ये ज़रूरत की चीज़ तो है यहाँ तो है सर, बहुत अच्छी चलती है, डॉक्टर भी बहुत अच्छा है वहाँ और पेशेंट करीब रोज़ के वहाँ 200-250 पेशेंट आते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा को फिर शुरू करेंगे। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 811-448-2312.